वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान कियांग ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री गियांग ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान कियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक की शुरुआत राजनाथ सिंह ने भारत और वियतनाम के रिश्ते से की। इंडिया और वियतनाम हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लिंक शेयर करते हैं, जिसमें हमारी बुद्धिस्ट और चाम ट्रेडिशंस की साझा विरासत भी शामिल है। और सितंबर 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इंडिया और वियतनाम के संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया गया था, और आज हमारे बाइलेटरल इंगेजमेंट्स कोऑपरेशन के कई क्षेत्रों में फैल चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्सचेंजेस से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप, ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कल्चरल तथा पीपल टू पीपल रिलेशंस भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग राजनीतिक आदान प्रदान, डिफेंस, ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों तक बढ़ चुका है। जून 2022 में वियतनाम की मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट तथा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030 पर हस्ताक्षर किए थे, और यह ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट अब दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन का एक ओवर आर्किंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, और इस स्टेटमेंट ने हमारे मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन के स्कोप और स्केल को भी काफ़ी बढ़ाया है, और मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें वियतनामी आर्म फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।